हमारे आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनकी आवाज में वो जादू है कि वो आपको एक ड्रीम वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. एंड फॉर हिज रोमांटिक सॉन्ग्स आई कैन ओनली से दिस दैट अगर आप रोमांस में यकीन ही नहीं करते हैं, देयर आर सम पीपल हु जस्ट डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांस, लेकिन अगर आप उनका एक रोमांटिक गाना सुन ले, you are bound to become a romanticist at least for those 3 or 5 minutes. Such is the power of his voice. Friends, please welcome Adnan Sami. Adnan ji, welcome to ETC Bollywood Business. Thank you very much. It's lovely ye to be jadu here. Aapne kab paya apni awaaz mein? ये कोई ऐसी चीज है जो मुझे खुद नहीं जिसका अंदाजा मुझे खुद नहीं है. इन द सेंस के कहाँ पे ये लोगों को महसूस होने लगा कि कुछ बात है मेरी आवाज में, मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं है. लेकिन यह है कि अगर वाकई इस तरह का असर हो रहा है तो फिर ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने खुद किया. ये तो एक ऊपर वाले की देन होती है. बट कभी कभी अगर गाना अच्छा ना हो या धुन आपको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगे तो ऐसे लगता है कि आपका हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हो रहा है. कभी आपने ऐसे महसूस किया है? नहीं, उसकी वजह यह है कि अगर मैं जब भी मुझे कोई चीज सुनाई जाती है स्टूडियो जाने से पहले तो पहले मैं सुनता हूँ और मैं अपने तौर पे एक अंदाजा लगाता हूँ कि मुझे कितना पसंद है नहीं पसंद. और अगर मुझे कोई ट्यून पसंद नहीं आ रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्यून अच्छी नहीं है. लेकिन ये है कि इंसान ये सोचता है कि क्या मैं इस ट्यून को सही तरीके से पेश करूँगा कि नहीं. और अगर मैं फील महसूस करता हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको जस्टिस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर से वो एक लगाव नहीं आ रहा, तो आई विल अवॉइड इट एंड आई विल से वेरी ऑनेस्टली कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी ट्यून है लेकिन आप किसी और से गवाइए. बट इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां पर इतने सारे सिंगर्स हैं, आप ना बोलने की शक्ति रखते हैं? देखिए, शक्ति जो है वो एक बहुत स्ट्रांग लफ्ज है. बात यह है कि इसमें मेरे ख्याल में शक्ति का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से. बात यह है कि इंसान को अपने दिल के अंदर ये सवाल उठाना चाहिए कि मैं सिर्फ एक फैक्ट्री की तरह कोई चीज जो है पेश नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जो काम आप आज करेंगे 10 साल 20 साल 100 साल बाद It becomes part of your history and legacy. और कई दफा ऐसा भी होता है कि मुझे एक गाना पसंद आता है जाती तौर पे और मैं गाता हूँ और शायद लिसनर को उतना ना पसंद आए, लेकिन बात यह कि कम से कम मुझे इस बात का क्या कहते हैं satisfaction है कि मैंने अपने दिल से किया and I believed in it and I liked it and that's why I sang it. लेकिन मैं ये कभी नहीं करना चाहूंगा कि मैं कोई काम करूं और कल लोग बोले कह रहे हैं ये क्या आपने कर दिया और फिर मैं खुद उस पे शर्मिंदा हूं. तो मैं उस तरह से अप्रोच करता हूं. मैं ये नहीं देखता कि भाई अरे अगर मैं नहीं गाऊंगा तो शायद कोई और गा देगा तो मेरा क्या होगा. ये इनसिक्योरिटी नहीं आती? नहीं, मतलब कि इनसिक्योरिटी इसलिए नहीं आती कि क्योंकि मैं समझता हूं कि हर एक इंसान का अपना एक अपनी एक जगह होती है और अपनी किस्मत होती है और मैं ये जो मैं ऑफर कर सकता हूँ शायद कोई और ऑफर ना कर सके, जो वो ऑफर कर सकता है शायद मैं ना ऑफर कर सकूँ. आई डोंट वांट टू डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और जस्ट बीइंग इन दिस कंपेटिटिव स्पिरिट. आई वांट टू डू इट बिकॉज़ आई बिलीव इन इट. तो सरस्वती और लक्ष्मी, हिंदू माइथोलॉजी की अगर हम बात करें, सरस्वती और लक्ष्मी का मेल है तो बैलेंस कहां स्ट्राइक करते हैं आप? आई थिंक अगर आप सबसे पहले सरस्वती की तरफ देखें तो लक्ष्मी खुद ही आ जाएगी. That's what I believe in. अदनान जी, बीच में ऐसी बात थी कि आप गाने के अलावा कभी कभी म्यूजिक भी देते हैं, उसके अलावा यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू एक्टिंग, जिसके लिए आपने अपना वजन भी कम किया, यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड ऑल. फिर वो प्रोजेक्ट को क्या हुआ, सडनली उसकी बात ही नहीं हो रही है? नहीं, पहली बात तो ये कि आई नो दैट देयर वाज दिस ट्रेमेंडस
rather I would say misinterpretation of my losing weight. क्योंकि कई लोगों ने उस तरह से कई कई कहानियां निकली थी कि कुछ लोगों ने कहा कि ये अपना वजन कम कर रहे हैं to do a film. और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी ये वजन कम कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई कोई खातून है जिन्होंने उनको इंस्पायर किया कि वो लूज करें वेट. तो इस तरह की कहानियां चल रही थी और मैं बस चुपचाप सुन रहा था. मैंने कहा कहीं ऐसी कहानी नहीं हो सकती कि शायद मैं इसलिए वेट लूज कर रहा हूँ क्योंकि वेट लूज करना अच्छी बात है और हेल्थी होना अच्छी बात है. तो वो मैंने इसलिए किया. ऑफकोर्स फिल्म का जहां तक ताल्लुक है वो बाद में सिलसिला शुरू हुआ. मेरा कभी उस तरह से शौक नहीं था कि एक्टर बनूंगा हीरो बनूंगा. फिर obvious, you know. तो उस तरह से scan करते करते then we came across two scripts जो अब develop हो रही हैं and you know we've gone through about एक में we've gone through two drafts and then आपको पता है जो process it is a process it is a process. And मैं मुझे कोई जल्दबाजी जल्दी नहीं है. But how difficult was it to lose so much weight? How much weight did you lose? I lost 145 kilos. How difficult was it? Well, very difficult in the sense के मुझे कई चीजों से परहेज करना पड़ा. There was no bread, there was no rice, there was no sugar, there was no oil. High protein diet पे मैं था और but ये जरूर था कि I could eat any kind of meat as much as I wanted, as long as वो you know it was either grilled or and cooked without any oil, oil या तंदूरी or whatever you know. लेकिन कोई उसमें अच्छी बात ये थी कि उसमें लिमिटेशन नहीं थी कि आप सिर्फ एक टांग खा सकते हैं. सिर्फ एक टांग. तो एटलीस्ट आई वाज सैटिस्फाइड दैट इफ आई वांटेड आई कुड हैव एन एंटायर चिकन यू नो. तो इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं अक्सर क्योंकि इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज अ क्रैश डाइट. आई मीन उसका प्रोसेस तकरीबन 1.5 साल हुआ और उसमें फिर इंसान देखिए बात ये कि द बेस्ट थिंग अबाउट पुटिंग ऑन वेट इज द लग्जरी ऑफ बीइंग एबल टू ईट व्हाटएवर यू वांट. लेकिन फिर आप जब उसको कम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है. एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. अदनान जी हाल ही में आपकी पर्सनल ट्रेजेडीज हैव बीन मेकिंग द हेडलाइंस. तो इससे क्या आपका सिंगिंग करियर अफेक्ट हुआ है? बिकॉज यू हैव हैड टू डू द राउंड्स ऑफ द कोर्ट. तो क्या प्रोड्यूसर्स ने आपका दरवाजा खटखटाना कम कर दिया या ये सोच लिया कि ही इज बिजी विद हिज कोर्ट केसेस सो लेट्स नॉट ट्रबल हिम? नहीं, इन फैक्ट क्वाइट टू द कॉन्ट्ररी इन द सेंस कि द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम एवरीबॉडी हैज बीन वेरी वेरी टचिंग एक्चुअली. यू सी क्या है कि जिंदगी में इंसान की जिंदगी में तरह तरह के वाकयात होते हैं. तो जहां पे खुशी भी होती है वहां पे गम भी होता है. करण इज गोना लव दैट. तो इट्स वेरी मच अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड द थिंग इज कि ये जब मौके जिंदगी में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है वो अपनी बाकी जिंदगी जो है उसको होल्ड पे कर दे. बट इट हैज बीन अ वेरी बिटर बैटल. जी आई मीन इट हैज बीन एक्चुअली मोर देन अ बिटर बैटल. इट हैज बीन अ वेरी अननेसेसरी बैटल. इट वाज नॉट रिक्वायर्ड. You know, it was not required. I mean, तो ये आपने अपनी ex-wife को बताया नहीं? It's not required. Let's just sit across the table and settle matters. Many times. Mm-hmm. And लेकिन I guess you know she felt that it would be correct for her to pursue this particular path. I mean जो जिस चीज की पर मुझे
थोड़ी सी क्या कहते हैं कंफ्यूजन महसूस होती है, वो ये है कि आखिर अंत जो है दोनों रास्तों का एक ही है. यू नो इफ टू पीपल डिसाइड दैट दे डोंट वांट टू बी टुगेदर देन फाइन, यू नो लेट्स नॉट बी टुगेदर बट लेट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ चैट इट आउट, टॉक इट आउट एंड डू इट इन अ वेरी पीसफुल मैनर. इस डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में आपने तीसरी शादी कर ली. हाउ डिड यू डिवाइड द योर अटेंशन बिटवीन द कोर्ट एंड योर न्यू वाइफ? वेल एक्चुअली द थिंग इज दैट आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ यू सी बात ये कि जाहिर है कोई भी इंसान अगर कोई अखबार खोलता है अंडरस्टैंडेबली वो ये समझते हैं कई दफा कि जिस बंदे के ऊपर ये चीज बीत रही है वो बिल्कुल एकदम दिमागी तौर पे एकदम बहुत डिस्टर्ब होगा एंड मस्ट बी गोइंग थ्रू हेल्थ. और मेरे लेट वाले साहब कहा करते थे कि वक्त कभी रुकता नहीं है. तो इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस यही है और इसके आगे अब कुछ नहीं है और ये पता नहीं बस दिस इज हियर टू स्टे. यू नो लाइक दे से दैट इफ गुड टाइम्स डोंट स्टे देन नीदर डू बैड टाइम्स. सो यू शुड ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव एंड आई हैव नेवर अलाउड दीस काइंड ऑफ थिंग्स टू गेट टू मी. बट हाउ फार आर यू फ्रॉम द सॉल्यूशन नाउ? Well, actually, from my perspective, I'm not far off any solution, provided somebody is willing to come and talk to me about the solution. You know, I mean, it takes two to tango, or it takes two hands to clap. I mean, I'm very, very open to a solution, and a peaceful one. But if somebody wants to rock and roll, then we'll rock and roll. But that somebody probably feels that you're not being fair in arriving at a solution. Phir kya? Aapko jab pata nahi ke agle insaan ki. But haven't the two lawyers tried to sit across the table and thrash it out? They have, but they have not been able to come up with any kind of solution which is reasonable and just. अदनान जी, जैसे आपने कहा कि आपके डैड बोला करते थे कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ये प्रोग्राम को यही रोकते हैं. लेट मी जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू यू सिंस यू आर अ सिंगर एंड यू सिंग सो ब्यूटीफुली. इफ टू अराइव एट अ सॉल्यूशन यू वर टू सिंग अ सॉन्ग, विच सॉन्ग वुड इट बी फ्रॉम योर लाइब्रेरी? ओह गॉड. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. Very good. I wish you could go on and on. I think this one statement says it all. I hope your ex-wife is watching the show. Adnan ji, you started out more as a album singer, pop singer, and then you moved on to Bollywood. Lekin ab aisa lagta hai ki Bollywood has consumed you completely and you've really almost given up on your private albums. Of course, nikalti hai, magar kam nikalti hai. Pehle aapki pop albums, unke videos wagera bahut aate the. Suddenly, why this lagav towards, why this jhukav towards Bollywood? Us tarah se agar dekha jaye to mera jo lagav independent albums ki taraf hai, wo aaj bhi utna hi strong hai jitna pehle tha. ये ज़रूर बात सही है आपकी कि मेरा काम फिल्म्स की तरफ ज़्यादा है, फिल्म म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा है, चाहे वो सिंगिंग की कैपेसिटी में हो या फिर म्यूज़िक डायरेक्शन की तरफ. आई थिंक द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट यू नो वन एज एन आर्टिस्ट आई लाइक टू ऑल्सो एक्सपैंड माई क्रिएटिविटी इन डिफरेंट एरियाज़. लेकिन ये जरूर है कि आई डेफिनेटली वॉन्ट टू कंटिन्यू माई वर्क एज विथ इंडिपेंडेंट एल्बम्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज अदर एक्टिविटीज एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव कॉन्सर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा वो डिले आ जाता है. एंड इज इट ऑल्सो ट्रू दैट प्राइवेट एल्बम्स का मार्केट धीरे धीरे कम होता जा रहा है? I think generally speaking across the board na sirf independent albums ka jo sale hoti hai unki hard copy sales wo na sirf independent albums ki kam hoti ja rahi hai overall kam ho rahi hai even of film music kyunki pehle kya tha ki log CDs ya cassettes khareedte the
अब देखिए जब जब कैसेट्स वर रूलिंग द रूस्ट, फिर सीडीज आई और फिर सीडीज लोग ज्यादा खरीदने लगे और कैसेट्स की सेल्स कम होगी, फिर इंटरनेट, फिर अब क्या है कि अब क्योंकि इंटरनेट आ गया है तो इंटरनेट के डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं और उसके बैलेंस में सीडीज कम हो रही हैं, तो बिकॉज दैट इज द न्यू मीडियम यू नो। अदनान जी, आप सिंगर हैं, फिर आपने म्यूजिक डायरेक्शन शुरू किया फिल्मों में, तो व्हाई दिस शिफ्ट? और बिकॉज फॉर सेवरल इयर्स टुगेदर यू वर नॉट कंपोजिंग म्यूजिक इन फिल्म्स। एक्चुअली मेरे लिए इतना बड़ा वो कॉन्ट्रास्ट नहीं था, क्योंकि जो एल्बम्स भी मैं कंपोज करता हूँ जो एल्बम्स भी मैं कंपोज करता हूँ वो भी मैं कंपोज ही नहीं, जो एल्बम में गाता हूँ एग्जैक्टली। द थिंग इज दैट जो मेरी एल्बम्स थी उनमें भी कॉम्पोजिशंस मेरी थी, तो दैट वाज अ नेचुरल स्टेप, आई थिंक दैट वाज अ स्टेप, या क्योंकि अगर मैं कई लोग होते हैं जो सिर्फ गाना गाते हैं, सिर्फ गाते हैं, कंपोज कोई और करता है, मेरी एल्बम्स में हमेशा कंपोजिशन मेरी अपनी रही है, तो इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन टू टू कंपोज फॉर फिल्म्स आल्सो, तो आई यू नो आई एंजॉय दैट होल प्रोसेस, इट्स फन। सिंगर्स को अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि अगर ये सिंगर है तो आचार नहीं खा सकते हैं, खट्टा नहीं खा सकते, ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज वॉइस एंड ऑल, एक्चुअली क्या होता है? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर वॉइस एंड डू यू हैव टू इतना परहेज रखना पड़ता है? Well, it's a bit of a myth in the sense ke agar aap kisi cheez se parhez karte hain, jaise aap farz kare khatta nahi lete ya thanda nahi kha sakte, thanda nahi kha sakte ya pee sakte, ya phir achar kai log nahi khate ya dahi bhi nahi khate, to क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छे से या बचपन से अगर ये चीजें आप इन ये परहेज करते हैं इन चीजों से, तो आपकी अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या कहते हैं वीक हो जाती है, तो क्या होता है कि अगर आपने अचानक अचार खाया तो एकदम गला पकड़ लेगा, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बचपन से या शुरू से ही आपने कभी उस तरह उन चीजों पर परहेज ना किया हो तो फिर बाय एंड लार्ज यू नो योर इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो स्ट्रांग, तो दे शुडन्ट बी अ प्रॉब्लम, लेकिन कुछ लोग ज्यादा एहतियात करते हैं, यू नो कुछ लोग ज्यादा एहतियात नहीं करते। आप क्या करते हैं? मैं ज्यादा एहतियात नहीं करता, सब कुछ खाते हैं। आई नेवर रियली हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि कभी कभी खासतौर पर जब मैं टूर पे होता हूँ तो मैं आई एम केयरफुल in the sense ke you know I try to avoid these things as much as I can, because naturally tour par to if you have to perform you have to perform जी. recording to ruk bhi sakti hai, correct, the performance the stage shows can't wait, that's right, so and I mean tickets are already sold, bilkul, so I mean from that perspective I try to be careful. Is it true for a singer stage shows is where the money is? Well there's a lot of money in stage shows and you see that is one of the main revenues that come in from a singer, for a singer, and so that is very true. I mean of course and also from the perspective that you are you know it's let's say 2 or 3 hours you know job, however it's not as simple as 2 or 3 hours kyunki uske upar preparations bhi jati hain or what you call it that you know there could be traveling involved and so on and so forth, so it's not as simple as people may think, you know, lekin ye yes it is a very important source of revenue. Adnan ji, aap singing karte hain, private albums karte hain, Bollywood ke gaane gaate hain, म्यूजिक कॉम्पोजिशन करते हैं इन बॉलीवुड ऑल्सो इन दिस एंड कोर्ट में झगड़ा भी करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ योर डे? वेल कोर्ट में झगड़ा, आई थिंक आई फॉरगॉटन वन थिंग, लेट मी करेक्ट इट, आप सिंगिंग भी करते हैं, प्राइवेट एल्बम्स भी करते हैं, बॉलीवुड में भी गाते हैं, बॉलीवुड का म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी करते हैं, कोर्ट में झगड़े भी करते हैं, शादियां भी करते हैं, ओह यस, व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग? शादियां No, actually the most fun I get is from the court cases. No, but I tell you, I mean, mazak kab nahi jayega, but I think, balki isse mujhe yaad aaya ki ek dafa main court mein gaya tha, I had a hearing, and subah ko hearing thi, aur dopahar ko
आई हैड अ रिकॉर्डिंग विद रहमान एंड विद एआर रहमान. तो अब क्या हुआ कि इट हैपन टू बी इन मुंबई एंड मैं हेयरिंग जो थी वो थोड़ी सी डिले होगी. तो मैंने 1 बजे का टाइम दिया था, तो आई थिंक बाय द टाइम आई अराइव्ड इट वाज अबाउट 2 o'clock. तो खैर दे ब्रोकन आउट फॉर लंच यू नो. तो खैर मैं आया एंड आई वाज नाउ आई वाज नॉर्मली क्या होता है कि इंसान थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए अभी यहां से आई बी गोइंग फॉर रिकॉर्डिंग ऑल्सो यू आर अ लिटिल कैजुअल इन योर ड्रेसिंग कंफर्टेबल यू नो. तो लेकिन उस दिन क्योंकि मैं लेट हो गया था तो आई डिडंट हैव टाइम टू गो होम चेंज एंड सॉरी योर कैजुअल इनटू माय कैजुअल. तो मैं सीधा कोर्ट से जब आया तो आई वाज वेयरिंग अ सूट विद टाई एंड एवरीथिंग. तो रहमान लुक्ड एट मी एंड ही इज गॉट अ लवली सेंस ऑफ ह्यूमर. ही सेड नो आई नो आई गॉट द ऑस्कर्स बट डोंट यू थिंक यू आर स्लाइटली फॉर्मली ड्रेस्ड फॉर माय रिकॉर्डिंग्स. यू हैव नेवर ड्रेस्ड लाइक दिस बिफोर. मैंने कहा यार आई एम सॉरी आई एम लेट यू नो आई वाज बिजी गेटिंग सूड. वी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग. I said, yeah, I came from the court, you know. तो खैर did you know तो फिर हम हंसने लगे. तो रहमान ने कहा कि listen, please lose the tie because you know seeing you in a tie and that too in front of a microphone, I'm feeling uncomfortable. तो कौन सी फिल्म के लिए गा रहे थे? This was for Abbas Tirewala's next film. Okay, it's now called Call Me Dil. Yes, जो पहले 1-800 love थी. Correct, yeah, that's right. Yes, Adnan ji, it's been great talking to you, and the best part about talking to you is that we've got to see a different side of you, how you make light of every situation, and कितना भी tension हो, you don't let it show in your face, and you don't let it show in your voice. Of course, you're blessed with a golden voice. Thank you and so much. May you continue to entertain millions and millions of listeners, and probably millions of viewers once you become a hero. Oh well, thank you very much.